दोस्तों, जब भी आप बुलेट गाड़ी का ऑयल चेंज करें तो याद रखिए, हम ऑयल फिल्टर तो चेंज करते करते इसके अंदर एयर फिल्टर भी चेंज करते हैं, लेकिन हमें साथ एक और एक काम करना है, वो है जो इंजन के नीचे ये जो ऑयल की जाली आती है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें पूरा मेटल भरे हुआ है इसके अंदर पूरा। क्यों बताओ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, जितना भी इंजन के अंदर आपके जो गियर्स जो घूमते हैं ना, जिसका जितना मेटल निकलता है ये पूरा यहाँ पर मैग्नेट की जगह पे आके रुक जाता और ये जाली पे आके रुक जाता, ये जाली से ऑयल पास होकर सीधा ये हेड में जाता। अब अगर ये जाली अगर साफ नहीं करें तो याद रखिए इंजन में आवाज़ आना शुरू हो जाती। तो ये रेगुलर करना ज़रूरी नहीं है, अगर आप दो बार ऑयल चेंज कर रहे तो तीसरी बार करिए, फिर दो बार चेंज करें फिर तीसरी बार करिए, यानी रेगुलर साफ नहीं करें तो चलता, लेकिन एक बार तो भी कंपलसरी ये खोल के साफ करना ज़रूरी है ये, क्योंकि इंजन से फिल्टर होके जाने वाला ऑयल यहाँ से फिल्टर होके जाता। ओके, हम जाली को साफ करें दोस्तों, देखो जाली कितनी साफ हो गई है, ये हमेशा इसी तरह रहना चाहिए, क्योंकि ऑयल जो फिल्टर होता है ये फिल्टर होकर यहाँ से ऊपर हेड में जाता, अगर यहाँ पर जाली अगर पूरा ब्लॉक हो गई तो याद रखिए इंजन में से आवाज़ आना शुरू हो जाते। और यहाँ पर छोटा सा मैग्नेट है ये, ठीक है, इसके अंदर मैग्नेट ये काम ये करता है कि जितना भी मेटल जो निकलता ना तो पूरा आके यहाँ पर ये रुक जाता है यहाँ पर।